हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोशन के बारे में जिसके दो काम हैं। एक तो आपके जो बॉडी में इचिंग रहती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से, उसमें वो लोशन आपका बहुत काम करेगा। साथ ही साथ अगर सर में जुएं हो जाते हैं तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा अच्छा रोल रहता है। इसका नाम है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड सेट्रामाइड लोशन। ये अलग अलग ब्रांड्स में आपको अलग अलग कंपनियों के नाम से मिल जाएगा, लेकिन एक जो मेन इसका जो साल्ट है वो ये सेम ही रहेगा। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और ये लगभग 50 से 60 रुपए में आराम से मिल जाता है। ये 100 ml का लोशन आपको इस रेंज में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर पूरी बॉडी में इचिंग है तो अगर छोटे छोटे ट्यूब्स को हम इस्तेमाल करें तो कितने इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये एक लोशन है तो ये एक लोशन ही आपके लिए काफ़ी है और इसको आराम से आप पूरी बॉडी में फेस को छोड़कर नीचे आराम से इसको लगा सकते हैं। और इसको लगाने का तरीका यह है कि आपको इसको रात में लगाना है और रात में लगा रहने देना है और सुबह उठकर नहा लेना है। एक हफ्ते में एक ही बार इस्तेमाल करना है और इसको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल करें या किसी के ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज खुजली की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, उसमें कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ स्कैबीज की प्रॉब्लम रहती है कि रात में खुजली शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दिन में भी रहती है, तो ऐसे में ये लोशन बहुत अच्छा है। और ये प्रॉब्लम बेसिकली किसी के कॉन्टैक्ट में आने से होती है, तो या तो वो बंदा आपके घर में रहता है या फिर लंबे समय तक आप किसी के संपर्क में हैं तो उससे ये आती है। बट अगर आप हाथ मिलाते हैं या फिर थोड़ी बहुत देर उससे मिलने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। सिमिलरली अगर किसी के सर में जुए भी हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इस लोशन को रात में सर में लगाया जा सकता है और फिर सुबह कोट को धो दिया जाए। लेकिन ध्यान रखें कि छोटे बच्चों में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ये बड़े बच्चों के लिए यानी कम से कम 5 साल से ऊपर के बच्चों में इसको लगाना है, अदरवाइज छोटे बच्चों में इसको यूज नहीं करना है। अगर यही खुजली की प्रॉब्लम पूरे बॉडी में हायर लेवल पर किसी प्रेग्नेंट वूमेन को है तो फिर ये लोशन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेग्नेंट वूमेन के लिए परमेथ्रिन 5% लोशन आपको इस्तेमाल करना है जो कि प्रेग्नेंट वूमेन के लिए सेफ है। का तरीका यहां पर भी सेम है कि इसको शाम को लगाना है, बॉटल को अच्छे से पहले हिला लें और उसके बाद इस लोशन को पूरी बॉडी में सर से ये इस गले से नीचे नीचे पूरे हमें लगाना है और सुबह को उठ के नहा लेना है। तो ये लोशंस अगर आप लगाते हैं तो इसमें जो नॉर्मली हमारी बॉडी में खुजली किसी भी वजह से हो गई है या फिर हमारी बॉडी में स्कैबीज की वजह से ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है, हम सो नहीं पाते, रात में खुजली बहुत है, तो ये लोशन परफेक्ट है। और लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि किसी के ऑब्जर्वेशन में इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि इसको फेस पर इस्तेमाल नहीं करना है, फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो ये सिर्फ गले से नीचे इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको स्कैबीज की प्रॉब्लम है यानी खुजली रात में बहुत ज़्यादा होती है तो एक हफ्ते में एक बार लगाना काफ़ी है और बाकी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, वो देखने के बाद ही आपको बताया जा सकता है। तो वेल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।